ये अंगूर अभी तोड़ लिए हैं और बहुत सारी चींटियाँ हो गई, इनको ढूंढ लेते हैं। और ये दूसरी हार्वेस्टिंग है मेरे अंगूर की, और बहुत अच्छे अंगूर आए थे इस बार, बस दो ही तीन आए थे। और क्योंकि बंदर नहीं रखते हैं, एक तो और लगे हैं ये छोटे छोटे, ये चिड़ियों के लिए रख दिए हैं, ये चिड़िया भी खाती हैं, तो मैंने तोड़ लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, अगर आपके प्लांट में फंगस वगैरह लग गई हैं, चींटियां लग गई हैं, तो आप लौंग और दालचीनी का प्रयोग आप अपने प्लांट में कर सकते हैं। तो अपने गार्डन में प्लांट में लौंग और दालचीनी का जादू दिखाइए आप, क्योंकि हर प्लांट में फंगस वगैरह अधिकतर लग जाती हैं, चींटियां वगैरह लग जाती हैं। तो आपको अपने प्लांट में लौंग और ये दालचीनी है और लौंग का इस्तेमाल आपको प्लांट में बेहतर ग्रोथ के लिए और फंगस के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, अगर इसको आप यूज करते हैं। तो इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, किस लिए करते हैं, चींटियों को भगाने के लिए फंगिसाइड की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में फंगस वगैरह का अटैक हो गया है, तब भी इसको आप कर सकते हैं। इसको पानी में उबाल कर लौंग और दालचीनी को फिर इसको ठंडा कर दीजिए, फिर उससे दूना पानी, सादा पानी मिलाइए, फिर पौधों की जड़ों में और पत्तियों पर आप इस प्लांट का स्प्रे कर सकते हैं। इस्तेमाल के तरीके क्या हैं, जब भी आप प्लांट में रिपोर्टिंग करते हैं या नया प्लांट नए गमले में लगाते हैं, तब भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करते समय आप अपने प्लांट में मिट्टी में आप इसको मिलाकर कर सकते हैं, और मिट्टी में आप मिला दीजिए तो आपके जो प्लांट में चींटियां लग जाती हैं और फंगस वगैरह लगता है जड़ों में, तो वो आपके प्लांट में नहीं लगेगा। और जब आप कटिंग लगाते हैं बरसात में, तो अधिकतर आपकी कटिंग सड़ जाती है, गल जाती है, तो तब भी आप दालचीनी के पाउडर को आप कटिंग में लगा दीजिए और फिर कटिंग लगाइए, आपके प्लांट की कटिंग बहुत अच्छे से वो चलेगी। तो इस तरीके से आप फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं कटिंग के तौर पे, और आपकी कटिंग अच्छे से लग जाएगी। तो अपने गार्डन में लौंग और दालचीनी का प्रयोग ज़रूर कीजिए, दोनों एंटी फंगस का काम करता है। और दालचीनी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो फंगस को बहुत ही जल्दी दूर करता है। प्लांट में चींटियां भी लग गई हैं, तब भी उस प्लांट को बहुत अच्छे से दूर करता है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे छिड़क भी सकते हैं मिट्टी में और पौधों और पानी में उबाल कर भी, दोनों को ठंडा करके फिर और ज़्यादा पानी मिला के आप पौधों में स्प्रे भी कर सकते हैं दालचीनी और लौंग के का इस्तेमाल करिए। और अगर आपके पौधे में फंगस बार बार लग रहा है, तो ये प्रक्रिया 15 से 20 दिन के बीच में आप इस प्लांट में कर सकते हैं। तो ये आप फंगस को दूर करके अपने प्लांट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने प्लांट में फंगस को दूर करिए, चींटियों को दूर करिए, और लौंग दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में फंगस वगैरह हैं जो चींटी हैं, वो आसानी तरीके से फ्री में आप हटा सकते हैं, और बहुत अच्छा इस प्लांट का यूज़ होता है। और इस प्लांट में इन सब का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा।
और आपके प्लांट में कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब चीज़ें हैं जो प्लांट को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। तो इस तरीके से अपने प्लांट में दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल कीजिए, और जब भी आप प्लांट में रिपोर्टिंग करते हैं तब भी आप इस प्लांट में कर सकते हैं। ये दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल सभी प्लांट में आप कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।